कि प्रोसेसर ऐसा हो कि भाई साहब धुआं उठा दे, लोगों को बिल्कुल ऐसा गेमिंग एक्सपीरियंस दे कि मजे आ जाएं, तो उसके लिए अगर हम बात करें मीडिया टेक की तो भाई साहब वो बहुत सुपर होना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपके प्रोसेसर की तो 855 प्लस 865 और 855 ही होना चाहिए। दोस्तों ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए जब वो फ़ोन खरीदने जाते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब कौन सा फ़ोन लूँ, कौन सा फ़ोन ना लूँ। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि भाई साहब कौन सा प्रोसेसर चाहिए आपको, कौन सा मीडिया टेक चाहिए। भाई साहब हमारे पास स्नैपड्रैगन 660 है, 665 है, 730 है, 730G है, आपको बताओ कौन सा चाहिए। भाई साहब हमारे पास मीडिया टेक G85 है, हमारे पास सारी वेराइटी, बताओ आपको कौन सा फ़ोन चाहिए। तो भाई साहब मैं आपको बता दूँ, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं तुम ये बताओ, अगर उनको यही नॉलेज होती तो वो भी दुकान ना कर लेते। तो तुम ऐसा क्यों करते हो इन लोगों के साथ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, अगर तुम इस चीज़ को भुगत चुके हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपके फ़ोन का जो प्रोसेसर वो क्या होना चाहिए, मीडियाटेक क्या होना चाहिए, सारी की सारी बातें हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन और आपको बिल्कुल समझ आने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पता कीजिएगा कि आपके फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, कौन सा मीडियाटेक होना चाहिए और कौन सा आपके फ़ोन के लिए बना है, यानी कि आपके लिए बना है। देखिए जब भी आप दुकान में फ़ोन खरीदने जाते हैं तो आपको दो चीज़ें सुनने को मिलती हैं, भाई साहब मीडियाटेक, भाई साहब स्नैपड्रैगन, भाई साहब क्वालकॉम, ऐसा सब कुछ करके। तो ये वो कंपनी है जो भाई साहब बनाती हैं फोन के प्रोसेसर को, और फोन का प्रोसेसर सबसे ज्यादा जरूरी है और डिपेंड करता है कि आपका जो यूज है वो कैसा होगा इसके लिए। तो सबसे पहले चीज हम बात करते हैं मीडिया टेक की, कि भाई साहब मीडिया टेक कैसा होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे स्नैपड्रैगन क्वालकॉम की, भाई साहब ये चीज कैसे होनी चाहिए। तो हमारे पास मीडिया टेक के लिए में क्या क्या है, हमारे पास G25 है, G35 है, P22 है, A22 है, G70 है, G80 है, G85 अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन क्वालकॉम की तो हमारे पास मिल जाता है 660, 665, 435, 450, 710, 720Y, 730, 730G। अब इनमें आपको कौन सा चाहिए, अभी बताएंगे कि किसमें क्या फर्क है। देखिए सबसे पहले ना यूजर अपने हिसाब से फोन लेने लग गए कि भाई साहब हमारे ना जो गेमिंग है वो इतनी हैवी है, हमारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर इतने हैवी हैं, हम जो ऐप यूज करने वाले बहुत हैवी है, तो हमें हैवी हैवी कुछ दिखाओ। तो मैं सबके लिए बताता हूँ, जो बिल्कुल कम यूज करने वाले हैं, जो मीडियम यूज करने वाले हैं, जो बिल्कुल एक्सट्रीमली यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मीडिया टेक की हम बात करेंगे वो होगा हमारा G80, G85 और G66। ये तो कि हमारे मीडिया टेक की बात। अगर अब हम बात करें स्नैपड्रैगन क्वालकॉम की तो वहाँ पर आपकी जो 635 और 650 में अगर आप खरीद रहे हो तो देखिए सबसे पहले तो आप गेम ज़्यादा मत खेलिए उस फ़ोन में, वो गेमिंग फ़ोन है ही नहीं। वो देखिए बहुत छोटा फ़ोन है, उसकी औकात बहुत कम है, तो उसको उसके रिलेटेड ही यूज़ करें। गाने वाने सुन लिए भाई तुमने कभी कभार उसमें मूवी देख ली, फ़ोन ले लिया, कैलकुलेटर यूज़ कर लिया, फ्लैश लाइट यूज़ कर ली, कभी कोई बच्चा रोने लगा तो उसको छोटा सा कोई गेम खिला दिया, दैट्स ऑल, ज़्यादा यूज़ नहीं है। ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो भाई साहब आपको दूसरा प्रोसेसर चाहिए होगा। ये उन लोगों के लिए जो बहुत कम, मतलब कि बहुत रेयरली अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं। बात करते हैं दूसरे लोगों की तरफ, जो भाई साहब गेम खेल लेते हैं, भाई गेम खेल लेते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, गेम खेल लेते हैं, ऐप भी यूज़ कर लेते हैं सारी की सारी, भाई फ़ोन का यूज़ हो जाता है दिन में आराम से 8-10 घंटे, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई फोन यूज करते हैं, जो मतलब कि कर लेते हैं फोन को यूज कैसे ना कैसे करके। तो उन लोगों के लिए अगर आप उनमें से हो तो अगर हम बात करें यहां पर मीडिया टेक की तो यहां पर आपको लगेगा G90 या फिर G95 या फिर G90T। अगर हम बात करें यहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तो आपको यहां पर चाहिए होगा 720G, 730, 730G। और ये वो लोग हैं जो भाई साहब हाई ग्राफिक्स चाहिए जिनको फोन में, कि भाई साहब हमें तो बिल्कुल HD वाला सीन चाहिए, हम प्रोसेसर भाई साहब अच्छा होना चाहिए, तो तुम्हारा गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए तो तुम ये फोन ले लो। अगर इसमें भी तुम अच्छे अच्छे गेम्स, बहुत बड़े बड़े गेम्स नहीं खेल पाओगे, देखो टू बी फ्रैंक ये उतना भी प्रोसेसर नहीं कि तुम्हें कुछ भी गेम खिला देगा। PUBG भी अगर तुम खेल रहे हो तो तुम्हें वहां पर सेंसिटिव थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, ग्राफिक्स तुम्हारा जो है वो कम रखना पड़ेगा तो ही तुम खेल पाओगे, नहीं तो फिर ये गर्म हो जाएगा, बहुत गंदा गर्म हो जाएगा, तुम इसमें खेल ही नहीं पाओगे। तो उन लोगों के लिए जो हाँ ना करके खेल ही लेते हैं आखिर में गेम, लेकिन आपको ना वो वाली फीलिंग नहीं आएगी कि मजा ही आ गया। अगर मजा ही आ गया वाली फीलिंग चाहिए कि प्रोसेसर ऐसा हो कि भाई साहब धुआं उठा दे, लोगों को बिल्कुल ऐसा गेमिंग एक्सपीरियंस दे कि मजे आ जाएं, तो उसके लिए अगर हम बात करें मीडिया टेक की तो भाई साहब वो बहुत सुपर होना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपके प्रोसेसर की तो 855 प्लस 865 और 855 ही होना चाहिए। इन तीनों में से अगर आपके पास कोई सा भी प्रोसेसर है तो आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको अच्छा एक फ़ोन का एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ भाई तेज़ी है, मतलब कि हैंग भूल जाओ, हैंग तो तुम बिल्कुल भूल जाओ, कभी भी नहीं होगा। तुम 3 से 4 गेम रखो, तुम उसमें PUBG खेलो, तुम उसमें भाई साहब कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो या और 3-4 गेम डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तुम कितने भी गेम खेलो तुम्हारा फोन नहीं खेलेगा। अगर तुम्हारा फोन खेल गया तो भाई साहब तुम्हारा उल्लू बना दिया तुमसे बहुत ज्यादा पैसा लेके। लेकिन फोन के अंदर है ना 855 प्लस नहीं है, फोन के अंदर 855 भी नहीं है और फोन के अंदर 865 भी नहीं है, फिर तुम्हें कुछ और कूड़ा वूड़ा दे दिया है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, अगली बार कोई ऐसे दुकानदार बोले तो उसको समझा देना भाई साहब टेक लैब की वीडियो देख के आओ, मेरे को नहीं चाहिए भाई साहब G95, हमारा उतना यूज ही नहीं, हमें तो तुम हल्का सा दे दो G25 G35 दे दो हमारा काम चल जाएगा। कोई महंगा बोल के सस्ता दे तो फिर उसको चाटे चला दो कि भाई साहब हमें नहीं चाहिए, हमें काम ही नहीं है भाई साहब 720G का, हमें चाहिए नहीं G95, हमें तो फुल ऑन गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तबाही वाला। तो हमें तुम जल्दी से 855 प्लस दिखाओ या फिर तुम दिखाओ 865। तो भाई साहब अगले का दिमाग है ना हिल जाएगा और तुम्हें ये करना ही करना है। और कमेंट करके बताओ तुम्हारे पास कौन सा फोन है, उसका क्या प्रोसेसर है, मीडियाटेक क्या है, स्नैपड्रैगन कॉलकॉम क्या है, सारी चीजें मुझे अभी के अभी बताओ, देखते हैं किसका फोन सुपर फास्ट है। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो भाई साहब चैनल को कर दो सब्सक्राइब, स्पोर्ट चाहिए तो चाहिए, मतलब कि जरूरत है कर दो, कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा। और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, अगली बार वीडियो का पता चल जाएगा, अच्छी बात है, टैग की बातें यही होती हैं अच्छी वाली। और मिलता हूँ बहुत जल्द टैग की नई बातों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।